दिल्ली की टीम ने आते साथ ही काफी बेहतरीन पारी और शॉट्स खेलने लगी है। दिल्ली कैपिटल्स की टीम के तरफ से बल्लेबाजों ने शानदार बल्लेबाजी की। दिल्ली कैपिटल्स के बल्लेबाजों ने शानदार बल्लेबाजी करके दुनिया को ये दिखा दिया है कि दिल्ली की टीम भी किसी से कम नहीं है। ओपनिंग करने आए डेविड वार्नर ने अपनी टीम के लिए बेहतरीन पारी खेली। डेविड वार्नर अपनी टीम के लिए बेहतरीन पारी खेलते हुए काफी बड़े बड़े शॉट्स भी लगाए। वार्नर के शॉट्स तो कुछ इतने तीखे थे जो सभी को हैरान भी कर रहे थे। दोस्तों आखिरकार क्या है खबर की पूरी जानकारी बताएंगे हम आपको विस्तार से, लेकिन उससे पहले आपसे अनुरोध है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आपका एक लाइक हमें काफी ज्यादा मोटिवेशन देगा। हाँ दोस्तों, आप कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताइएगा कि डेविड वार्नर खतरनाक ओपनर है या फिर पृथ्वी शॉ। हम आपके कमेंट का वेट कर रहे हैं। चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आपको विस्तार से बताते हैं। दोस्तों आज आईपीएल 2023 का 7वां मुकाबला खेला जा रहा है। ये जो 7वां मुकाबला हो रहा है ये दिल्ली कैपिटल्स वर्सेस जीडी के बीच। जीडी बोले तो गुजरात टाइटंस। गुजरात टाइटंस की टीम इस बार काफी ज्यादा खतरनाक नजर आ रही है। पिछली बार गुजरात टाइटंस की टीम ने अवार्ड को जीता हुआ था, वहीं इस बार भी गुजरात टाइटंस की टीम काफी शानदार दिखाई पड़ रही है। दोस्तों बात कर लेते हैं आज के इस मैच के बारे में। इस मैच को टॉस जीतती है जीडी की टीम और पहले बॉलिंग करने का निर्णय लेती है। जहाँ तक शुरुआत में ये चीज सही भी हो रही थी गुजरात टाइटंस की टीम के लिए, मोहम्मद शमी के पहले ही गेंद पर डेविड वार्नर आउट हो जाते। दोस्तों इसमें देखने वाली बात यह रही कि डेविड वार्नर ने चालाकी दिखाई और उस आउट को नॉट आउट में बदल दिया। मोहम्मद शमी के पहले ही ओवर में पड़ जाते हैं 11 रन। पहले 3 ओवर में तो दिल्ली की टीम ने काफी शानदार क्रिकेट खेला। दिल्ली की टीम शानदार क्रिकेट खेलते हुए शानदार बल्लेबाजी भी की, जो आगे चलकर दिल्ली की टीम के लिए काफी ज्यादा सही भी रहा, क्योंकि दिल्ली की टीम को जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि उनके साथ भी आगे ये होने वाला है। दिल्ली की टीम के बैक टू बैक 2 विकेट गिरते हैं। दिल्ली की टीम का वो जो दोनों विकेट गिरा था वो था पृथ्वी शॉ और मिचेल मार्श के रूप में। दोनों खिलाड़ी पिछले मैच में भी फ्लॉप रहे थे और इस मैच में भी ये दोनों खिलाड़ी फ्लॉप नजर आए हैं। अब ऐसे में गुजरात टाइटंस को इसमें काफी बढ़िया मदद मिली। लेकिन दोस्तों वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो डेविड वार्नर ने काफी तेजी से पारी खेली और उन्होंने दिल्ली कैपिटल्स की टीम को काफी तेजी से आगे बढ़ाया और फिर जिसके बाद खेल डाली शानदार पारी।